नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो भी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो उससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फाइनली यहाँ पर देखिए आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। हमने कल जो चर्चा की थी, हमने जो एनालिसिस की थी, बिल्कुल हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैंक निफ्टी ने जो है ट्रेड किया। जो हमने सपोर्ट लेवल जो निकाले थे, जो रेजिस्टेंस देखे थे, जो ट्रेंड लाइन देखे थे, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हमारे बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। सो फाइनली देखिए हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए आज जो है जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए फाइनली जो है आज एक बहुत ईजी डे रहा होगा पैसे कमाने के लिए। क्योंकि देखिए जब बैंक निफ्टी डाउन साइड में था तो वो बिल्कुल एक ट्रेंड में था, और जब ऊपर की तरफ गया तो वहाँ पर भी बिल्कुल एक ट्रेंड में ही था। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि मतलब इंट्राडे ऑप्शन प्लेयर्स ने जो है अच्छे पैसे कमाए होंगे। तो फाइनली देखिए मैंने टेलीग्राम चैनल में भी सवेरे इसके चार्ट मैंने पोस्ट कर दिए थे और अपने एनालिसिस बता दी कि बैंक निफ्टी में जो है किस तरह की मूव हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो चार्ट जो है आपकी बहुत मदद कर रहे होंगे एक अच्छा ट्रेड लेने में। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको निफ्टी की, बैंक निफ्टी की इंट्राडे कॉल्स वहाँ पर मिलती हैं। वहाँ पर कंटिन्यू मैं चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, वहाँ पर कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर कंटिन्यू बताते रहता हूँ। तो फाइनली चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देखते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज सारा दिन। तो अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में। देखिए हमने जो एनालिसिस यहाँ पर कर दी, अब इसको देखिए ध्यान से हम देखेंगे। हमने कल जो यहाँ पर एनालिसिस करी थी, मैंने आपको देखिए क्या चीज़ बताया था, मैंने आपको यहाँ पर एक ये लेवल बताया था। चलिए हम यहाँ पर आते हैं। अब देखिए ये एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए यहाँ पर मार्केट बंद हुई थी जहाँ पर दो कैंडलें आपको ग्रीन दिखाई दे रही हैं। तो फाइनली यहाँ पर मार्केट बंद हुई थी और हमारी देखिए ये एनालिसिस थी कि यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो जब 32,700 का लेवल क्रॉस करेगा तब हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। दूसरी हमारी एनालिसिस ये थी कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हमारा जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा देखिए 32,300 के आसपास का, और दूसरा टारगेट जो बताया था मैंने वो 32,100 के आसपास का। तो फाइनली आज दोनों टारगेट जो है हमारे यहाँ पर अचीव हुए। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैं 5 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूँ और मैं यहाँ पर आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि मतलब कितनी आसानी से यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में पैसे बनाए जा सकते थे। तो फाइनली यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट में। अब ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैंने कल बताया था कि हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम बुलिश रहेंगे, और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, ब्रेक डाउन होगी, तो हम यहाँ पर जो है सेल साइड में चले जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमको जो है चौथी कैंडल ने, 5 मिनट की चौथी कैंडल ने यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन दे दिया था। ये जो कैंडल है हमारी 9:20 की, ये कैंडल 9:20 वाली कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया था, और उसके बाद देखिए कंटिन्यू मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ। अब 32,385 के बाद यहाँ पर देखिए जो लो लगा वो 32,096 का लगा। अगेन यहाँ से एक देखिए बाउंस बैक आया क्योंकि एक सपोर्ट एरिया था। अगेन देखिए फिर यहाँ से नीचे की तरफ। अब मैं यहाँ पर अब समझाता हूँ कि हम यहाँ पर किस तरह से ट्रेड ले सकते थे, कैसे क्या कर सकते थे। बाकी चीज़ें तो सारी मैंने आपको कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल में मैम ने कंटिन्यू आप लोगों को अपडेट में करते आया हूँ। बट अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमने एनालिसिस कल की थी, ये ट्रेंड लाइन जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जो हमने एनालिसिस की थी कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी तो यहाँ पर कम से कम एक हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। सो फाइनली देखिए हमको इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी और इसके नीचे हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, और ये ट्रेड हम देखिए कम से कम हम 200 पॉइंट्स ऐड कर सकते थे। तभी मैंने कहा ना कि इंट्राडे ट्रेडर अगर आप ऑप्शन के हैं तो आपने यहाँ पर एक अच्छे पैसे बनाए होंगे, क्योंकि मार्केट जब भी चला तो एक ट्रेंड में चला। अब यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे की तरफ आया है तो एक ट्रेंड में आया है, मतलब 200-300 पॉइंट्स कंटिन्यू नीचे की तरफ आया है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ गया है तो यहाँ से 200-300 पॉइंट्स कंटिन्यू जो है ट्रेंड में गया है, ठीक है। तो पहला ट्रेड देखिए हमारा यहाँ बन सकता था, तो यहाँ हमने देखिए 7-8 ट्रेड किया और सारे सारे प्रॉफिटेबल थे, अच्छे ट्रेड थे, अच्छा दिन था आज का। और दूसरा देखिए हमको ट्रेड कहाँ पर मिल सकता था, फाइनली यहाँ पर आकर जो है एक ट्रेंड लाइन बननी स्टार्ट हो गई थी, और ये जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया, ठीक है। फाइनली देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया आने के पास यहाँ पर जो है इसने एक रेंज बनानी चालू की, और रेंज बनाने के बाद फाइनली इसका जो है फिर ब्रेक डाउन हुआ और अगेन ये जो है नीचे की तरफ चली। चलिए ये तो था आज का मार्केट, आज की मार्केट थी, आज की एनालिसिस थी। अब हम बात करेंगे कि हमको जो है मंडे के सेशन में हमको किस तरह से ट्रेड करना है, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, तो उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अब देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन में दिखा दूं, यहाँ पर देखिए अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ये देखिए जो मैंने रेड कलर की ड्रॉ करके रखी हुई है। तो ये ट्रेंड लाइन के पास जब भी बैंक निफ्टी आती है यहाँ से बाउंस बैक होता है। देखिए यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ पर हुआ, दूसरी बार यहाँ पर हुआ, तीसरी बार ऑलमोस्ट यहाँ से हुआ, और फोर्थ टाइम देखेंगे हम, देखिए आज हम यहाँ से अगेन बाउंस बैक होने की कोशिश कर रहे हैं।
कहने का मतलब ये है कि अब हम इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल सपोर्ट पर हैं और यहाँ से अब एक बाउंस बैक हो सकता है। तो पहले मैं ये ट्रेंड लाइन वगैरह डिलीट कर देता हूँ और मैं एक चार्ट को क्लियर करके मैं आप लोगों को अब एनालिसिस करके बताऊंगा कि हम मंडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको ये मैंने ट्रेंड लाइन दिखा दी कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रही है तो यहाँ बाउंस बैक हो रहा है। अब हम चर्चा करेंगे मंडे के सेशन में मार्केट किस तरह से ट्रेड करेगी, हमारा प्लान क्या होना चाहिए। तो देखिए फाइनली देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास से देखिए बाउंस बैक होने के चांस हैं। देखिए अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको 32,300 का लेवल क्रॉस होने के बाद यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बनाना है। दूसरे बाइंग के देखिए अगर आपको कन्फर्मेशन चाहिए, वो कन्फर्मेशन देखिए एक ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर से यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती तब तक आप इसमें ट्रेड मत करिए, ठीक है ना। ये होगी एक सेफ ट्रेडिंग, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर एक सेफ ट्रेडिंग होगी। फाइनली देखिए जो मेन लॉजिक है वो मेन लॉजिक ये है कि देखिए ये जो कैंडल है ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है। दूसरा देखिए इसके पास एक ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। सो यहाँ पर दो सपोर्ट हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है कि मंडे के दिन मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। हम कहाँ ट्रेड करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है। मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद देखिए हमको जो हर्डल मिलेगा वो 32,450 का मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर 100-150 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग होती है और 32,450 के आसपास, यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर करेक्शन आ सकती है, 32,450 का एरिया निकलेगा तो हम सीधा 32,650 को टच करेंगे। अगेन देखिए अब क्या करना है, ये तो था गैप अप, अब गैप डाउन में किस तरह से करना है। अब गैप डाउन में देखिए ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जब तक इसके ऊपर हैं तब तक बुलिश हैं। देखिए बार बार मार्केट यहीं से आके बाउंस बैक होती है, अगर गैप डाउन यहां पर ओपनिंग होती है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हो जाती है तो वहां से हम एक बहुत तेज जो हम सेलिंग का प्रेशर देखेंगे। हमारा जो उस कंडीशन में हमारा जो टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट रहेगा 31,900 का और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा हमारा 31,650 का। तो यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट आ सकती है, शार्प गिरावट आ सकती है अगर ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। मींस मंडे को हमने सारा फोकस जो है वो रेड कलर की ट्रेंड लाइन पर रखना है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त डाउनफॉल देखने को मिलेगा और वन साइडेड मूव मिलेगी और वो वन साइडेड मूव इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी सहायक होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी, खासकर ऑप्शन बायर्स के लिए। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स करते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टॉक देखिए हमारा एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक फाइनली देखिए यहां पर अब ऊपर के लेवल पर आकर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है अभी। तो यहां पर देखिए फाइनली इस एक मिनट में इसको प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूं। तो अब देखिए ये ट्रेंड लाइन के आसपास देखिए है, अब यहाँ पर देखिए अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे में यहाँ पर 690 रुपये की क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पर अगेन 700 रुपये और 710 रुपये का होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक को देखिए मैंने बताया था कि यहाँ से बाउंस बैक करने के लिए परफेक्ट एरिया है, अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर जो है 325 यहाँ पर हम जो लेवल देखेंगे 350 और 325 का देखेंगे। फाइनली देखिए इसने जो है नीचे की तरफ तो जरूर गया था बट फाइनली यहाँ पर रिकवरी आ गई है और बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए। अब कल अगर मंडे के सेशन में 360 का लेवल ब्रेक करता है तो हमारा क्लियर कट टारगेट 350 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को मैंने आपको बताया देखिए 1500 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए हमको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। 1500 रुपये के ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ पर जो है अच्छा 1530 और 1550 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। फाइनली देखिए यहाँ पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक देखिए ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आई है। अब रीटेस्ट के बाद यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो कैंडल भी एक अच्छी बनी हुई है, ड्रैगन फ्लाई डोजी हम इसको कह सकते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप यहाँ पर 1475 रुपये के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, टारगेट यहाँ पर 1500 रुपये के आसपास होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक असेंडिंग चैनल बन रहा है और मे बी यहाँ पर असेंडिंग चैनल से ये रिवर्स हो सकता है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने कल आपको बताया था सेलिंग करने के लिए, देखिए मैंने बताया था कि बाइंग हमको सिर्फ इसके ट्रेंड लाइन के क्लोजिंग के ऊपर ही बाइंग करना है, अदरवाइज अब हम इसको सेलिंग के लिए देख रहे हैं रैदर देन बाइंग। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको 550 के नीचे यहाँ पर सेलिंग के लिए बताया था और फाइनली यहाँ पर जो टारगेट मैंने बताया था वो 540 के आसपास का बताया, तो फाइनली यहाँ पर देखिए 541 का लो लगा है। अब यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल सकता है, देखिए ये जो एक एरिया था यहां पर कंटिन्यू देखिए मार्केट 4-5 दिन कंटिन्यू इस एरिया पे सस्टेन की है, तो ये 535 का इसके लिए अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब जब ये 535 का यहां पर सपोर्ट ब्रेक करेगी तो हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट को देखेंगे, मींस 520 के आसपास, 537 का लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा टारगेट जो होगा 520 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के लिए देखिए मैंने आपको यहां पर बताया था कि यहां पर 980
और सॉरी 985 के ऊपर निकलता है तब इसको हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अभी इसको हम जो है कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें कोई व्यू नहीं है ऐसा मैंने बताया था 985 के। अब देखिए यहाँ पर जो दोनों हाई लगे हुए हैं वो दोनों हाई बिल्कुल सेम है, मीन्स हम कल का जो हाई है मतलब ऑलमोस्ट सेम है, कल का जो हाई है वो 981 का है और यहाँ पर जो आज का हाई जो लगा हुआ है वो 983 का है, मीन्स मतलब 2 पॉइंट्स का यहाँ पर डिफरेंस है। तो 985 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा 1000 का, तो 1000 के टारगेट के लिए हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक, तो कोटक बैंक फाइनली देखिए मैंने बताया था अगर इसको बाउंस बैक होना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पर है, बट यहाँ पर अगर ये इसका ब्रेक डाउन होता है तो हम ये लेवल जो है जल्दी देखेंगे। अब ये टारगेट ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर आने वाला है, अचीव होने वाला है, बस हमको एक मंडे की मूवमेंट चाहिए, मंडे की अगर 1848 रुपए के नीचे निकलता है तो हमारा ये टारगेट अचीव हो जाएगा 1810 का। ध्यान रखिएगा लेवल जो है 1848 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर टारगेट हमारा जो है 1810 रुपए का होगा, तो हम इसको जो है 30 से 35 पॉइंट्स के प्रॉफिट के लिए टारगेट के लिए हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक में भी यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, बट अगर यहाँ पर एक 245 का लेवल ब्रेक करता है तो ये फेक ब्रेकआउट होगा और मार्केट जो है यहाँ से काफी तेजी से नीचे आ सकती है, तो 245 का लेवल यहाँ पर याद रखिएगा, 245 का लेवल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो फाइनली यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यू यहाँ पर एक असेंडिंग चैनल में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, जब ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को टच करता है तो लोअर ट्रेंड लाइन के पास आता है और लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने का अपर ट्रेंड लाइन के आसपास, तो अब हम फाइनली यहाँ पर देखें तो हम कहीं अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही हैं, यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट्स का अभी हमको यहाँ पर जो है गैप दिख रहा है, 4 से 5 पॉइंट यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है और जब यहाँ पर जो लेवल आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पर जो हाई लगा हुआ है वो 310 के आसपास का है, यहाँ पर 315 318 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो 317 318 के आसपास से मार्केट यहां पर रिवर्स होगी और उस टाइम जब मार्केट रिवर्स होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे आएगा, मे बी वहां पर 4 से 5% की मूव हम उनको एक दिन में देखने को मिलेगी। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर देखिए अगर 300 के नीचे की क्लोजिंग करता है तो मे बी ये जो है नीचे वाले ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, बट अगर ये 310 रुपए के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होना शुरू कर देता है तो 315 और 318 रुपए हमारा कल का टारगेट होने वाला है। तो चलिए फाइनली देखिए निफ्टी बैंक में देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे। देखिए जो मैं चार्ट देता हूं, देखिए मॉर्निंग टाइम में मैं आप लोगों के लिए चार्ट कंटिन्यू पोस्ट कर देता हूं कि आप लोगों को एक क्लू मिल जाए कि मतलब किस तरह से हमको यहां पर ट्रेडिंग करनी है। तो फाइनली देखिए मैंने आप लोगों को निफ्टी का भी चार्ट सवेरे मैंने पोस्ट कर दिया था और बैंक निफ्टी का भी चार्ट पोस्ट कर दिया था और वहां पर क्लियर कट बताया था कि मतलब मार्केट आपको दो एरो देकर बताए थे कि जिस तरफ निकलेगी हमको उस तरफ का ट्रेड बनाना है। देखिए फाइनली ऊपर के एरो को टच भी नहीं किया उसने और नीचे की एरो की तरफ कंटिन्यू वहां पर ट्रेड होना शुरू हो गया और यहां पर देखिए शार्प यहां पर मूव हुई थी, सो यहां पर ऑप्शन बायर यहां पर पैसे बना सकते थे, अगर आपने बनाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में जो चार्ट पोस्ट करता हूं अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और उम्मीद करता हूं कि मैं शायद आप लोगों के लिए कल एक वीडियो बना पाऊं ऑप्शन सीरीज की, ऑप्शन की मैं सीरीज एक शुरू करूंगा आप लोगों के लिए, वहां पर जो मैं ऑप्शन के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा कि इंट्राडे में किस तरह से ट्रेडिंग होती है, क्या हमको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने चाहिए, किस तरह से हमको ऑप्शन चेन देखनी चाहिए, वो सारी चीज़ों की मैं चर्चा करूंगा। सो थोड़ा टाइम की थोड़ी कमी है इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, सो कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कल एक वीडियो शूट करने की। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, जय हिंद जय माता दी।